मंडासेरा की पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य व कांग्रेस की वरिष्ठ कार्यकर्ता हंसी नेगी के निधन पर कांग्रेस ने गहरा दुख और शोक व्यक्त किया है। जिला कांग्रेस कमेटी ने कार्यक्रम आयोजित करते हुए कहा कि दिवंगत हंसी नेगी ने समाज व पार्टी के लिए समर्पित रहकर कई ऐसे कार्य किए जिनसे कि समाज में व्याप्त समस्याओं निदान हो सका। कांग्रेस जिलाध्यक्ष लोकमणि पाठक ने कहा कि हंसी नेगी के निधन से कांग्रेस पार्टी तथा समाज का नुकसान हुआ है। कांग्रेस नेता बालकृष्ण, रंजीत दास तथा अंकुर उपाध्याय सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने हंसी नेगी के निधन पर गहरा दुख व शोक व्यक्त किया है। पेश है सीसी न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट। हमारे कर्मठ महिला कार्यकर्ता जो लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम करती आई रही और क्षेत्र पंचायत समिति के वो मेंबर भी रही, उन्होंने हमेशा सामाजिक सद्भाव, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ और समाज की सेवा करने के लिए अपना जीवन अर्पण किया। सदैव वो हमेशा गरीबों मजलूबों के बीच में रही, उनकी सेवा करती रही। इसी का परिणत रही कि वो बाहर से आने के बावजूद भी मंडल सेरा में विशाल बहुमत से क्षेत्रीय समिति की सदस्य चुनी गई, यही उसका लोकप्रियता का प्रमाण था। दुर्भाग्य ये रहा कि इस कोरोना संकट से जो वैश्विक महामारी है उसकी चपेट में वो आ गई, जिसके कारण उसका देहावसान हो गया। ये कांग्रेस परिवार के लिए ही नहीं, उस क्षेत्र की जनता के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम सब लोग उस महान महिला को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे भगवान से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और इस भीषण दुर्घटना में इस जो त्रासदी जो उस परिवार के साथ आई है, भगवान उस परिवार को इस संकट की घड़ी में सहन करने की क्षमता प्रदान करे, यही हम सब लोगों का परिवार के प्रति संवेदना है। देखिए, आज इतना दुख हम कांग्रेस पार्टी के लोगों को है। हंसी नेगी जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ कांग्रेस की एक कर्मठ कार्यकर्ता थी। निस्वार्थ भाव से वो हमेशा कांग्रेस के कार्यक्रमों में भाग लेती थी और कांग्रेस के लिए काम करती थी। उनका परिवार जो है हमेशा कांग्रेस परिवार से जुड़ा हुआ था। वो पूर्व में क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रह चुकी हैं, लेकिन आज कांग्रेस परिवार को इतना आघात पहुंचा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और सारा कांग्रेस परिवार उस परिवार के साथ खड़ा है। जी देखिए, जो हमारे प्रताप नेगी जी जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता थे, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जो हमेशा कांग्रेस के साथ, मैं 10-15 सालों से मैं ही देख रहा था उनको कांग्रेस के साथ जो बहुत अच्छी तरह से तालमेल बैठा के सब लोगों के साथ लेके चलते, आज अचानक इस कोरोना की इस महामारी की उसमें उनकी जो है धर्मपत्नी जो उनकी चपेट में आ गई थी, जिससे उनका आकस्मिक निधन हो गया था। तो उसी सदन में हम लोगों ने आज सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक शोक सभा रखी। शोक सभा में हम लोगों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और इस तरह की महिलाएं जो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही वो थी, तो उनके लिए हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसी सदन में हम लोगों ने आज सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये शोक सभा आयोजित की गई।